हॉस्टल छोड़ने के लिए अभी तीन दिन बाकी रह गए। जा रहे हो फिर दुखा तुम? ये कि मेरा दोस्त जा रहा है, मैंने 7 साल से एक एक दिन से तुमने के साथ गुजरा है, ये बात और आज तुम वाकई में जा रहे हो ना, कैसे मुझे बहुत अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। पिछले व्लॉग में जैसे आपने देखा मेरा न्यू जर्सी में आखिरी दिन था और मैं टेक्सास मूव हो रहा था, तो फिर मैं जॉन्सटाउन और वाशिंगटन डीसी क्यों गया? क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा था और गाड़ी ले जाना भी जरूरी थी, मैंने बाय रोड अकेले जाने का फैसला किया। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि जॉन्सटाउन फाद भाई ने जाना था और वहां से हमने ह्यूस्टन साथ जाना था, तो हम वाशिंगटन डीसी क्यों गए? डीसी जाने की दो वजूहत हैं, एक मेरा बहुत पुराना दोस्त वहां रहता है मौजम, उससे मिलना जरूरी था जाने से पहले, और दूसरा अगर आप वाशिंगटन डीसी गए और टूसो नहीं गए तो फिर वाशिंगटन डीसी क्यों गए? तो टूसो एक पाकिस्तानी किचन है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी हलवा पूरी मिल सकती है, बहुत अच्छी निहारी भी मिल सकती है अगर आप बहुत अच्छे खाने के शौकीन हैं, और आपको ये दो चीज़ें अच्छी नहीं मिलती कहीं पे भी अमेरिका में, तो आप टूसो ज़रूर जाएँ जब भी आप वाशिंगटन डीसी जाएँ या वर्जीनिया जाएँ। वक्त की कमी की वजह से हम खाना खाते ही निकल पड़े और फाद भाई को वाशिंगटन डीसी भी दिखाना था तो रास्ते में वहाँ भी रुक गए। ये डीसी का तीन तलवार है,
डीसी से निकल के स्ट्रेट 3 घंटे ड्राइव करके अभी हम लोग यहाँ पे आए जॉन्सटाउन। यहाँ पे भाई का इंटरव्यू है कल, फिर उसके बाद हम निकलेंगे ह्यूस्टन के लिए। तो अब तक की ड्राइव तो कुछ भी नहीं थी, आगे हमारी कोई अभी 19 से 20 घंटे की और ड्राइव है जो हम करेंगे कल स्टार्ट। तो अब रात भी हो गई है तो आराम करेंगे और फिर सुबह फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे ड्राइव करना। दोपहर हो गई है, हमने निकलना था टेक्सास के लिए क्योंकि बहुत लंबी राइड है। हम चाह रहे थे कि दिन दिन में ड्राइव हो जाए, लेकिन आई गेस फाद भाई कहीं स्टक हो गए। इस होटल के अंदर स्विमिंग पूल है, बहुत अच्छी बात है। पहले तो मुझे सुस्ती हो रही थी, ठंड भी हो रही थी, मैंने कहा यार अभी कौन स्विमिंग पूल जाए इतनी ठंड में। फिर मैंने कहा कुछ करने को नहीं है, चले चलते हैं, थोड़ी 2-3 डुबकियाँ मारेंगे और फिर आ जाएंगे। और व्यूस आप चेक करेंगे, जैसे बाहर ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ठंड है यार। और ठंड तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मेन रीज़न ही यही है कि मैं जो है ना न्यू जर्सी से भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे ठंड नहीं पसंद। टेक्सास में मौसम अच्छा है। कपड़े और टावल भूल गया था तो अब वापस ऊपर जा रहा हूँ कपड़े और टावल लेने, याद ही नहीं रहता कुछ क्या करें। ओ भैया व्हाट इज ये है हमारा पूल, और हीटिंग चली हुई है ज़बरदस्त, पानी भी मुझे लग रहा है कि गर्म ही है, तो सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाहर देखो बारिश हो रही है, बाहर ठंड है, और अब अंदर से स्विमिंग पूल में नहाते हुए बाहर के नज़ारे करेंगे। स्विमिंग पूल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, हमेशा से ही पसंद है स्विमिंग पूल में आना, स्विमिंग करना। अब थोड़ा स्टेमिना नहीं रहा है हुक्का शुक्का पी पी के, लेकिन एक ज़माने में बड़ी स्विमिंग करी है। लास्ट टाइम मैं स्विमिंग पूल आया था एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, फ़ोन मेरा पानी में गिर गया था तफरीहों में, और जितनी भी फुटेज मैंने बनाई थी अपने लास्ट व्लॉग के लिए सब उड़ गई थी, तो वो व्लॉग धरा का धरा ही रह गया, मैंने आज तक कंप्लीट ही नहीं करा। तो ये सीन है स्विमिंग पूल्स के यहाँ पे। साथ भाई एहसान के कज़न है, यहाँ पे जॉन्सटाउन हम उन्हीं के लिए आए हुए, उन्हीं के साथ आए हुए, उनका इंटरव्यू था, डॉक्टर हैं वो। तो जैसे ही वो आएंगे फिर हम चेकआउट करके जॉन्सटाउन से निकलेंगे टेक्सास के लिए। टेक्सास की ड्राइव है कोई 20 से 21 घंटे और, बहुत मज़ा आने वाला है। कोशिश है कि रात में ड्राइव ना करें क्योंकि घर वालों का प्रेशर है कि रात में ड्राइव ना करो, सो जाओगे, नींद आ जाएगी। तो रात में हम ड्राइव नहीं करेंगे, रात में हम कोशिश करेंगे कहीं रुक जाएं 2-3 घंटे 4 घंटे नैप लें और फिर हम दोबारा कल सुबह रास्ता स्टार्ट करें अपना। भाई आप ये देख रहे हो, वाओ भाई। तो भाई हम लोग निकल गए हैं जॉन्सटाउन से, अब हम लोग जा रहे हैं डैलस का एड्रेस डाला है, रास्ते में कहीं ना कहीं रुकेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। और ये हमारे फाद भाई हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, फाद भाई हमारे डॉक्टर हैं, कोई भी बीमारी हो, कोई कीड़ा भी हो ना तो ये निकाल देते हैं ना, मतलब तो बता दिएगा आप हमें, हम आपसे इनसे डायरेक्ट रब्ता करवा देंगे, ठीक है। जॉन्सटाउन से जो हम निकले हमने टेनेसी जाके ब्रेक मारा, और रास्ते में या तो हमें बारिश मिली या अंधेरा, लेकिन अगर रास्ता इतना लंबा हो तो आतिफ असलम के गाने गाना तो बनता है। तेरा प्यार है बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है।
जी भाई, तो हम केंटकी में अभी दाखिल हो गए। वेस्ट वर्जीनिया से हमारे भाई फाद भाई ने गाड़ी चलाना स्टार्ट करी थी, यहाँ पे आई हुई थी, मतलब बिल्कुल यहाँ पे आई हुई थी पर एक बम्प आया, उसके अलावा माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त गाड़ी चलाई है। और केंटकी में हम आ गए, हमारा रास्ता कुछ बचा है अब 14.5 घंटे का। ये हमारे फाद भाई हैं। फाद भाई, क्या ख्याल है आपका ड्राइविंग के बारे में? मेरा ख्याल है कि आप डरे हुए हैं थोड़े से बहुत। यार क्यों नहीं डरूंगा यार, बड़ी बड़ी है मेरी। और एक रोड क्लोज था तो थोड़ा सा एक ब्रेक लगी थी, जिसके बाद जिससे पहले उस्मानी भाई सोते रहे और उसके बाद से अभी तक सोए नहीं है। तो ये है कि वी जस्ट एंटर्ड इनटू केंटकी और होपिंग फॉर द बेस्ट। देखते हैं, अभी तक तो दानियाल भाई कह रहे हैं कि हम ऑल द वे डालस जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज गोना हैपन। टेनेसी में रात में टेनेसी रुक गए थे, कोई 9.5 घंटे की ड्राइव और बाकी थी, और थके हुए भी थे। हमारे फाद भाई इंटरव्यू देके आए हुए थे और मैं नहीं थका हुआ था, लेकिन स्टिल हमने ब्रेक मार लिया था। रात में ड्राइव करना अच्छा नहीं होता, घर वाले भी कह रहे थे कि यार रात में ड्राइव नहीं करो, रुक जाओ। तो हम रुक गए थे, अब हम टेनेसी से निकलने लगे। मज़ीद हमारी 9.5 घंटे की ड्राइव है और अच्छा सफ़र। क्या कहते हैं फाद भाई, आपका कैसा रहा रात का हिसाब किताब? यार रात को ये था कि हमने काफ़ी लंबी ड्राइव की थी और हमारा प्रोग्राम जो था वो ऑल द वे जाने का, लेकिन फिर हमने एक सेम डिसीजन लिया कि यार ठीक है, जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी 9 घंटे जो रहते हैं वो हम इंजॉय करके जाएंगे दिन की रोशनी में, विच वॉज आई थिंक अ गुड डिसीजन। तो ये आंसू अभी आराम से हम रिलैक्स भी हो गए, नींद भी पूरी कर लिया और अभी रास्ता देखते जाएंगे। एक काम है, इसको दे दो, इसको बोलो यार चेकआउट कर दो। ये पहली दफ़ा हमने दिन में ड्राइव करे तो मज़ा भी आएगा, हम लोग देखेंगे भी व्यूज़ वगैरह और हम थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी करेंगे। ये फाद भाई हमारे बाहर खड़े हुए लॉक हो गए, बेचारे कह रहे हैं खोलो मेरा दरवाज़ा, लेकिन मैं नहीं खोलूँगा, वेट करो, नहीं खोलूँगा मैं। हाँ मुझे पता है बर्फ़ हो रही है, तभी तो लॉक करा है आपको बाहर। चलो खोल देता हूँ मैं। आ जाओ फाद भाई। फाद भाई क्या हो गया, ठंड हो रही है? आपको तो ठंड पसंद है, आप कह रहे थे आप नॉर्दर्न एरिया से पाकिस्तान के, आपको ठंड मजा। मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे जर्सी के बाद को खास ठंड लगी नहीं है, तो इतना बैड सिचुएशन। बर्फ हो रही है बट इट्स नॉट एक्चुअली, फिल्टर में भी हो रही है। हाँ फिल्टर में भी हो रही है, एक्चुअल में भी हो रही है, लेकिन जो अभी बर्फ स्टार्ट नहीं, अभी तो फ्लरीज है, अभी तो ये मजाक है। नॉर्थ में हो रहा है, वो बंदा मैंने उससे पूछा था, कह रहा है मैं नॉर्थ से आ रहा हूँ तो उस साइड का बर्फ स्टार्ट, अगर हो भी रही हो तो उसमें भी मजा आएगा। हम थोड़ी और रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेंगे स्नो वगैरह की, आप लोग को तो स्नो पसंद है मुझे पता है, हमें नहीं पसंद। अगर हम कल रुक जाते ना तो फिर हमें बर्फ मिलती, तो हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हमने ड्राइव करते रहे। रास्ते में रुके हैं अभी पीछे हाईवे पे और हमने ये इसके लिए स्टेप के लिए सिर्फ आप लोग के लिए हमें बीच में रुके हैं। अगर टुल्ला आई है ना तो हमें सही से टिकट दे के जाएगा इधर। ये टेनेसी रिवर है,
है तो अभी अभी हम टेक्सास में एंटर हो गए और 3 घंटे की मज़ीद और ड्राइव बाकी है। ये हमारे फहद भाई बैठे हुए हैं। फहद भाई क्या सूरत हाल है? सूरत हाल अच्छी है। कैसा लग रहा है आपको टेक्सास में एंटर हो गए? नहीं तो इस बार आप ड्राइव करके आए ना, तो हमें बाय रोड आए, तो कैसा रहा इस बार का एक्सपीरियंस आपका? चलो फिर अभी फहद भाई हमारे बेटे हैं। फहद भाई जब से निकले हैं ना बस जॉन्सटाउन से, तो इन्हें लिफ्ट ही कराना छोड़ दिया है। ये फहद भाई की बस आ गई है। फहद भाई जा रहे हैं ह्यूस्टन, एंड ऑफ जर्नी। आई एम गोना सी हिम वेरी सून, या आई एम गोना गो टू ह्यूस्टन मे बी इन लाइक फ्यू डेज, सो आई विल सी यू गाइस। ही इज माय न्यू फ्रेंड। चलो यार मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। आई विल टॉक टू यू। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हां जी भाई, तो फहद भाई चले गए। फहद भाई को हमने डैलस से बस में बिठा दिया और अब फहद भाई जाएंगे ह्यूस्टन। ह्यूस्टन मैं भी चले ही जाता, लेकिन वो यार कह रहे थे कि अभी तुम किधर जाओगे और फिर वापस तुम 3 घंटे ड्राइव करके आओगे। अच्छा नाइस बंदा है, तो उसने मोहब्बत मतलब मैं कहा कि यार तुम जो हो ना मुझे बस में बिठा दो और तुम जो ना घर चले आओ यहीं से। तो अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे और फिर यहीं पर अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे।